आ गया रिकॉर्ड। यस अब रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो ठीक है, तो मैं इसको हटा दूं, सब रेज कर दूं मैं। यस सर। ठीक है, तो अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्फेरिकल मिरर। सो एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। द मिरर हुज एक्सटर्नल पार्ट इज वेल पॉलिश्ड एंड इंटरनल पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। एंड द मिरर हुज इंटरनल पार्ट इज वेल पॉलिश्ड एंड आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। एंड द फोकल लेंथ, इफ वी टॉक अबाउट द फोकल लेंथ, सो द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। डू यू नो ऑल दिस थिंग्स? यस सर। ओके ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द स्फेरिकल मिरर, इफ वी टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर, ओके, सो स्फेरिकल मिरर मीन्स वॉट? स्फेरिकल मिरर मीन्स, कंसिडर वी आर हैविंग अ हॉलो स्फेयर, कट अपार्ट फ्रॉम हॉलो स्फेयर एंड मेक इट्स वन सर्फेस वेल पॉलिश्ड, मेक इट वन सर्फेस वेल पॉलिश्ड, देन दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ओके, अ पार्ट कट फ्रॉम हॉलो स्फेयर, वी कैन से अ पार्ट कट फ्रॉम हॉलो स्फेयर, अ पार्ट कट फ्रॉम हॉलो स्फेयर एंड इट्स वन सरफेस, एंड इट्स वन सरफेस इज वेल पॉलिश्ड, इट्स वन सरफेस इज वेल पॉलिश्ड, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, सो एज वी नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, द फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। सो वी डिस्कस अबाउट द फर्स्टली कॉनकेव मिरर, आफ्टर दैट वील डिस्कस अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो द मिरर हुज, वी कैन से दैट द मिरर, और वी कैन से दैट द स्फेरिकल मिरर, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर ना, सो वी कैन से द स्फेरिकल मिरर, the spherical mirror whose outer surface or external surface or outer surface is well polished and internal surface is a reflecting, that is called concave mirror. मैंने आपको बताया था डेमो क्लास में कि अगर मान के चले कि ये हमारे पास एक कोई स्फेरिकल सरफेस है और इसमें अगर इस तरह से पॉलिश कर दी जाए ना बाहर से ये, ठीक है, तो इसमें ये अंदर वाला जो पार्ट है ना ये रिफ्लेक्टिंग होता है, यहां से रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि यहां से तो पॉलिश है। अब इससे लाइट इस साइड से नहीं आएगी, लाइट जो भी आएगी वो इस साइड से आएगी, हम सारी ऑब्जेक्ट्स को इसके यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को पुट करेंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ से होगा ना कि यहाँ से होगा, यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि उस तरफ तो पॉलिश है, ठीक है ना। जैसे हमारे घरों में वो मिरर होते हैं ना, हमारे घरों में मिरर होते हैं, प्लेन मिरर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है,
तो उस फ्लेन मिरर में आपने देखा होगा कि आप सामने वाले फेस को अपने देखते हो जिससे आपका फेस दिखाई देता है। हम देखते हैं ना फेस बाल बाल सही करने के लिए, उसके पीछे पॉलिश होती है, उसके पीछे होती है पॉलिश। पॉलिश किस चीज की होती है? जिंक ऑक्साइड। पॉलिश किसका होता है? जिंक ऑक्साइड का पॉलिश होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पॉलिश जो होता है वो रेड कलर से पीछे का भी देखा हो, कभी देखा होगा तो वही पॉलिश होता है। तो ये पॉलिश सरफेस है, यहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होता है इस सरफेस। इज इट ओके? यस सर। ओके, सो नाउ सो दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस एंड इट्स आउटर सरफेस इज वेल पॉलिश्ड। दिस इज द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस इज वेल पॉलिश्ड। ओके, वी कैन से इट एज आउटर सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस ऑल्सो। दिस इज आउटर सरफेस एंड दिस इज इंटरनल सरफेस। इंटरनल सरफेस and internal surface is also known as reflecting surface, that is also known as reflecting surface. Reflecting surface. Okay, if you are if you have remember that maine abhi yahan pe ye liya tha na plane mirror, hai yaad aapko? To isme maine polish ko niche kiya tha na, पॉलिश वाली सरफेस ये नीचे वाली थी, ये सरफेस पॉलिश वाली है, और इसमें जो भी लाइट अभी इंसिडेंट हुई थी वो लाइट ऊपर से इंसिडेंट हुई थी, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, तो जब इसमें लाइट ऊपर से इंसिडेंट हुई थी इसका मतलब है, और यहीं से हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिया था क्योंकि ये लाइट जो इंसिडेंट हुई थी वो यहाँ पे चली गई इस मीडियम में, उसी मीडियम में वापस चली गई थी। अब क्या लाइट आप देख सकते हो यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट हुई थी क्या? नीचे वाले मीडियम से कोई लाइट इंसिडेंट हुई थी इस पे? नो सर। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फिर यार ये यहाँ से हमको कोई रिफ्लेक्शन नहीं लेना है क्योंकि ये सरफेस तो पॉलिश्ड है। ठीक है, द ऑपोजिट साइड ऑफ पॉलिश्ड सरफेस, ऑपोजिट साइड ऑफ पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई एम सेइंग दैट ऑपोजिट साइड ऑफ opposite side of polished surface is known as reflecting surface. Is it okay or not? Yes, sir. Okay. Wait a minute, okay? Can you see this? No, sir. Now you can see this. Yes, sir. Okay, okay. Wait a minute, I'm doing something. Okay, now. So now we'll talk about the types of spherical mirror. So there are two types of spherical mirror. We have already seen that.
First is concave mirror. First is concave mirror. And the second one is convex mirror. Second one is convex mirror. अभी स्क्रीन थोड़ा ठीक लग रही है या पहले ज्यादा बेटर थी? सर ये बेटर है. ये बेटर है ना? यस आई नो. चलो ओके. सो इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर नाउ. सो कॉन्वेक्स मिरर इज समथिंग लाइक दिस. इट्स इंटरनल सरफेस इज वेल पॉलिश्ड. इट्स इंटरनल सरफेस इज वेल पॉलिश्ड. दैट इज इंटरनल सरफेस. That is internal surface. Okay. And it is outer surface now. It is outer surface. Are you getting me or not? Yes, sir. Very good. So this is outer surface now. And this is also known as outer surface is also known as what? Listen, internal surface is well polished, na? Reflecting side, outer. Reflecting surface, very nice, very nice. Reflecting surface, very good. This is reflecting surface. Also. Okay. चलो मुझे यार ये अच्छा लगा कि समझ रहे हो आप. Very nice. पहले से आता है क्या ये सब? No, sir. नहीं पढ़ा तो होगा यार. यूटी के लिए पढ़ा था पर पहले पढ़ा था. अच्छा चलो इट्स ओके. सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फोकल लेंथ. सो द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव. फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव. एंड इफ वी टॉक अबाउट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. So the focal length of convex mirror is positive also, always. Okay. Now we'll deal with some important definitions. Means at the first time writing the heading, some important. Some important definitions. Some important definitions. Okay. So at the first, we'll talk about first definition, that is of pole. What is pole? Do you know about pole? What is pole? No, sir. No. Okay. The midpoint, I'm writing the midpoint. The midpoint of spherical mirror. The midpoint of a spherical mirror is called pole. The midpoint of a spherical mirror is called pole. It is denoted by P. It is denoted by capital P. Okay. अभी ये सारी चीजों को जितनी भी definitions आएंगी हमारे पास तो अभी मैं सबको एक diagram में convert कर दूंगा. एक ही डायग्राम क्लियर बनाऊंगा जिसमें इन सारे डेफिनेशंस को एक ही डायग्राम में अभी इंक्लूड कर दिया जाए. उसी में बता दूंगा मैं व्हाट इज पोल. इसमें पोल कहाँ होता है, इसमें फोकस कहाँ होता है, वेयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेयर इज फोकल लेंथ, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. बट एट द फर्स्ट हम उनको क्रिटिकल डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओके. नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड डेफिनेशन दैट इज center of curvature. That is center of curvature. So what is center of curvature? Yeah, it is the center of the sphere. It is the center of that sphere. It is the center of that sphere from which the mirror is cut. Is it okay? The center of that sphere. The center of that sphere
from which the mirror is cut. From which the mirror is cut. It is known as center of curvature. It is denoted by C. It is denoted by capital C. Okay, I'll show everything in the diagram. Okay, so don't be tense. Where is center of curvature? Where is pole? So I'll show after some time. Wait for, okay. Now, if we talk about next heading, that is radius of curvature. Radius of curvature. So now, what is radius of curvature? Tell me the definition of radius of curvature. It is radius of the imaginary sphere. Radius of that sphere. Radius of that sphere from which the mirror is cut. Mirror kisi sphere se kata gaya tha na? Kisi hollow sphere se mirror ko kata gaya tha. Uska us sphere ka jo radius hoga, wo yahan pe radius of curvature ho jayega. Is it okay? So we can say that, the radius of that sphere from which the mirror is cut, okay, and यार ये क्या है अच्छा 40 मिनट्स का टाइमिंग रहता है क्या इसका यस सर फिर रीजॉइन करना पड़ता है अच्छा या तो फिर इसको अपग्रेड कर लो तो फिर चलेगा बना रहा ना यस सर चलो तो फिलहाल अभी आप इसको रीजॉइन ही कर लेना अगर क्लास ओवर हो जाए ठीक है ओके सर So the radius of that sphere from which the mirror is cut. And there is a one more definition. There is one more definition I'm having that if we talk about that this is a hollow sphere. If this is a hollow sphere, its center is this. Center is this. Sorry, this is not R. This is center. Consider that this point is O. Or we can say it as center that is denoted by capital C, but for the mirror only. But in this case, that this is not a mirror, na? This is only simply a sphere. So its center is denoted by O only. So a simple sa ek sphere hai, isliye maine iske center ko O bana diya. Agar main yahan pe mirror ki baat karta, to fir main iske center ko center of curvature bolta, C bolta, capital C. Ye bolta fir. To abhi kya ho raha hai ki ye center hai iska, is sphere ka center hai. तो इसके स्फीयर के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं ठीक है और सर्कमफ्रेंस पे ही तो पॉइंट होता है जिसको हम पोल बोलते हैं ये पोल कहाँ होता है सर्कमफ्रेंस पे ही तो होता है सो अनदर डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस द डिस्टेंस बिटवीन center of curvature the center of curvature and pole of mirror the center of curvature and pole of mirror is called radius of curvature is it okay yes sir आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका मतलब पूरा एक प्रॉपर नोट्स टाइप का हो गया ये अगर लेना चाहो बताओ ओके सर हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कैमरा मैं ऑफ कर दूं अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो यस सर डन डन ना यस सर Okay, now.
So we'll move further now. So we have deal with three definitions. First is pole. Pole is completed. Okay, so first definition was pole, second one is center of curvature, that is denoted by capital C, and third one is radius of curvature. That is denoted by R. Now we'll move further and talk about focus. Talk about focus. What is focus? Now, do you know that what is focus for a spherical mirror? It is the line joining the pole and the center of the curvature. No, line, not line joining. If you are talking about the line joining the pole and center curvature, that is not focus. That is principal axis. That is known as principal axis. Okay. That is known as principal axis. Okay, listen. Consider that which type of mirror is this? Concave mirror. Concave mirror. Okay, now this line is known as principal axis. This line is known as principal axis. Principal axis. Okay. So if this line is a principal axis, one ray of light incident parallel to the principal axis. This light is incidenting parallel to the principal axis. Okay. So it passes through a point after reflection. It passes through a point after reflection. This point is known as focus. This point is known as focus. This point is known as focus. That is denoted by capital F. Okay. A point on principal axis. From where the reflected light is passing after reflection. But the main condition is incident light should be parallel to the principal axis. Incident light jo hai, ye principal axis ke parallel honi chahiye. To jab incident light principal axis ke parallel hai, to ye reflection yahan se hone ke baad kya hoga? Ek point se guzarti hai. Ek point se hoke guzarti hai, principal axis pe hota hai wo point. To us point ko hum log kya bol dete hai? Focus bol dete. Any problem? No, sir. Okay. So it is denoted by capital F. Isko hum log jo hai capital F se show kar dete. Clear hai na? Itna asaan chal raha hai. Next, focal length. Next is focal length. So how will we define focal length? This distance is known as focal length. Okay. This point is known as pole of mirror. So we can say that the distance between. We can say that the distance between focus and pole of mirror is called focal length.
is called focal length. Okay, and it is denoted by small f. It is denoted by small f. There is a big difference between capital F and small f. There is a difference between those capital F and small f. Capital F is a point that is known as focus, but small f is the distance from focus to pole. Are you getting me? Yes, sir. Okay. Now we'll talk. Okay, now. So we have discussed some definitions: pole, center of curvature, radius of curvature, focus, focal length, principal axis. Okay. Now we'll draw a diagram. So consider that this is a concave mirror. We are having, because its outer surface is well polished and its internal surface is reflecting. Okay. This line is known as principal axis. Okay, then. And the midpoint of spherical mirror, this is a midpoint of a spherical mirror. So the midpoint of a spherical mirror is known as pole. So we can say that this point is known as pole, that is denoted by capital P.